सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना क्या है गाइस, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी जो यहाँ फोटो है, जो मतलब ये जो मॉडल है इसका जो फोटो है बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपोज है। तो गाइस इसकी हम पहले लाइटनिंग वगैरह सेट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम ऑरेंज एंड येलो टोन डालेंगे। तो पहले लाइटनेस को ठीक करने के लिए हम जाएंगे लाइट वाला ऑप्शन में, एंड इसका कॉन्ट्रास्ट पहले हम कम करेंगे एंड एक्सपोजर को भी थोड़ा कम करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हाईलाइट्स को यहाँ पे कम करेंगे। और गाइस जो ये बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रहा है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ गाइस, कि अभी कुछ टाइम से मेरे यहाँ पे सिचुएशन ऐसी चल रही है कि गाइस मैं इस नॉइज़ को जो है ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। बट अभी जल्दी से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि अभी जो वीडियो आएगी वो काफ़ी क्वालिटी में एंड फेस कैम आएगी, ठीक है। तो बाकी आप लोग ऐसे जब तक मैं एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। बाकी अभी जो है हम इसको इतना कर लेते हैं, बाकी हम वाइट वगैरह जो है ये सब कम कर लेंगे एंड ब्लैक्स को भी कम कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे कलर्स में, क्योंकि गाइस अब कलर्स की बारी है, हमारा मेन चीज़ जो है कलर्स। सो कलर्स में जाने के बाद गाइस करना कि आप सभी को पहले मैं बता देता हूँ, आपको पहले ऐसे कलर्स में चलना है, ठीक है। कलर्स में जाने के बाद आपको उसके पहले वाइब्रेशन को बढ़ाना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको चलना है ऐसे मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को जो है हमें लेना है ग्रीन कलर, जिससे गाइस हम यहाँ से हम ह्यू को माइनस करके पहले इसमें येलो टोन डालेंगे एंड इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा देंगे, ताकि जो येलो टोन है थोड़ी एक्स्ट्रा आ जाए। फिर हम जो इसका ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे, ताकि थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। फिर हम जाएंगे येलो कलर में, अब इसका ह्यू माइनस करेंगे, क्योंकि जो है कि हमें थोड़ा सा ऑरेंज टोन भी चाहिए, तो इससे जो ऑरेंज टोन आ जाएगा। एंड सेम चीज वही करेंगे, इसका जो है हम ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाने के लिए हम ल्यूमिनस बढ़ा देंगे एंड सैचुरेशन को भी बढ़ा देंगे। फिर इसका अच्छे लेंगे हम ब्लू कलर में, एंड यहाँ से गाइस हम इसका ल्यूमिनस कम करेंगे एंड जो इसका सैचुरेशन है इसको हम कम करेंगे, क्योंकि हमें ब्लू कलर जो है नहीं चाहिए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, आपको चलना है ऐसे ऑरेंज कलर में। फिर यहाँ से जो है मॉडल का जो ल्यूमिनस वगैरह है हम वो बढ़ा देंगे, मतलब कि मॉडल को जो है थोड़ा सा ब्राइट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे एक बारी सिलेक्टिव टूल में, ठीक है। तो पहले मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं हमारी फोटोज़ में, तो ऐसे हम चलते हैं सिलेक्टिव टूल में। फिर उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से प्लस में। प्लस में जाने के बाद हम यहाँ से लेंगे लिनियर ग्रेनाइट, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे साइड से जो है स्काई है यहाँ से हम लेंगे, ठीक है। एंड इसको जो है हम थोड़ा सा ना, मतलब कि इसमें जो है हम इसका टेम्परेचर कम कर देंगे थोड़ा सा, एंड जो इसका सैचुरेशन है इसको भी हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, ताकि जो भी ऊपर कलर होगा ना सब कुछ ख़त्म करना है हमें, ठीक है। तो इसको हम इसे कम कर लेंगे। फिर इसका क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको मैं थोड़ा ऊपर की साइड में रख लेता हूँ, यहाँ से परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी वगैरह भी इंक्रीज़ कर लेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ से हम थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ा देंगे एंड टेक्स्चर को भी थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर जो है हम इसको यहाँ पर डन कर लेंगे, ठीक है। फिर उसका चलेंगे वापस से कलर्स वाले ऑप्शन में, एंड कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ से जाने के बाद आपको शेडो को जो है ऐसे क्लिक करना है एंड इसका सैचुरेशन जो बढ़ा देना है एंड जो ह्यू जो है इसका आपको येलो कलर में ले जाना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। फिर उसका चले जाना आपसे भी यहाँ पर मिड टोन में। मिड टोन में जाने के बाद आपको सेम चीज़ वही करनी है, थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा के एंड ह्यू को रख देना है यहाँ पे येलो टोन में, ठीक है। फिर उसके बाद हाईलाइट्स में जाएंगे। हाईलाइट्स में जाने के बाद हम सेम चीज़ वही करेंगे जो भी हमने किया, ठीक है। तो यहाँ से इतना परफेक्ट है, अब हमारा इतना हो चुका है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से डन कर लेंगे एंड फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ से हम नीचे वाले टूल में, जो कि है इफेक्ट वाला। इसमें जाने के बाद आपको पहले क्लियरिटी इंक्रीज़ करनी है फोटो की एंड फोटो में डालना है विग्नेट अपने फोटो के अकॉर्डिंग। इतना होने के बाद गाइस हम क्या करेंगे, पहले विग्नेट डालने के बाद हम इसका जो फीदर इसको भी इंक्रीज़ कर देंगे एंड उसके बाद चलेंगे यहाँ से हम नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद हम यहाँ से शार्पनेस बढ़ा देंगे एंड इसका जो नोड रोशन है इसका जो हम पहले विग्नेट थोड़ा सा कम कर लेते हैं, क्योंकि विग्नेट मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो उस यहाँ परफेक्ट है। अब यहाँ से चलते हम दूसरे वाले टूल में। तो यहाँ पे जाएगा, देखिए हमारी जो फोटो है यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता वीडियो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।